इसका मतलब बस सिर्फ जैसे कि तुमसे 50 रुपये लिए दाली दलाली करता कुछ करता। सही बताऊं। हाँ हाँ वो थे वहां पंडित बोल गए थी, हाँ उसने बचा दिया, मगर जाओ तुम्हारे कहने छोड़े ना, बहुत धर्म वो ये सारा उसे संलिप्त रहता बुढ़े इन से इनकी चीजों में। सेटिंग थी हाँ ना, सेटिंग थी उससे इसकी। बुढ़े से पता सेटिंग कैसी थी, वो तुमने देखा ही था कि वो घर में घुसा था, वही वो कहीं गर्भवती हुई है, इनने कहबदी थी कि हम ऐसा करें वैसा करें, तब तुम करिए तो ये सब इनकी कहबदी थी। अरे उसने एक बार और पंजे मैंने तभी दी रात को ना लौंडों के साथ उनके, तो हाँ साला वो उसका उसमें हाँ संभाल तो था तो सही, लेकिन हाँ वो कह दिया यार ये है वो है। अब फिर सुबह को मुझे पैसे देना आ रहा था, सुबह वो को इनकी मुझे दे इनकी रहा था कहबदी, लगभग। बुढ़े की उनकी कहबदी थी ना, इनकी कहबदी थी ऐसा होना। फिर उन्होंने पता उसमें कितने रुपए लिए, 80,000 रुपये लिए हाँ सुनने में आया था मेरे तो 30-40 का आया था, तीस ना, अस्सी हजार चालीस दिए हजार तो अस्सी रुपये हजार मतलब 30-40 तो इन्हें मिले हैं। हाँ इसे मिल गया होंगे वो। हाँ इसे तब बताइए बुढ़े को 30-40 मिले। हाँ उसका भाई हाँ एक मास्टर भी है ना। हाँ 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 तो साले ये तो बहुत बड़े, जब से मैं इसे जानता हूँ बहुत, जाके टू ट्रैक्टर चेंज करते हैं नंबर एक बार, तेरा आधा सा सोलूशन हो जाएगा, चाहे दरवाई पर्चा काटे या हाँ ना काटे, तुम सीधा जो है वहाँ कोर्ट में अपना जो है एप्लीकेशन देना कि ऐसे ऐसे हमारा उसमें है, और तुरंत जो है कागज जमा करके दिखाएगा, तुरंत तुम्हारा जो छूटने का आदेश कर देगा कोर्ट दो और तीन ये हजार में। यार जो उन्हें फजीते में चक्कर था कि मतलब हमारी बुराई इनसे हो जाए और जे उनकी तरफ जाए, ये जुगाड़ था अपनी नेतागिरी कर रहे यार। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जब ये नेतागिरी तो था मामला फंस गया। अच्छा टेटे वाले हम तो ये कह दिया कि तुम ना जियो हमारा प्रधान जा रहा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं हम तो तुम्हारे पास जब आते तुम्हारे हाँ मुंह पर प्रधान बोल मारते दिया 30-25 हजार रुपए, कहते तुम हटो इन्हें, टेटे हटवाओ बाल खत्म जाती है तो ऐसा। लेकिन इन्हें सोचा गया केस अरे फंसाए। यार बैंक से सुबह चला जाता ना वहाँ, मैंने हाँ गाड़ी स्टार्ट कर ली थी तो मैं काम कर देता, हाँ हाँ वो हाँ बैंक मुझे तुम मुझे पता ना था, सामने फोन किया ऐसे एक्सीडेंट हो गया, हम निकल भी हाँ गए थाने से, लेकिन फिर जो बताया कि 1,000 का सिपाही है उसने जो खड़ा करवा दिया ट्रैक्टर में, चलो फिर बाद में पता चला कि तुम्हारा आने में, तो जब ही वो पता वहां से चला हटवा देता। हमें हमें लेट पता लगा था ना, हाँ यार जहां तुम्हें पता दे लगा बता फिर हमने कहा तब तुम्हारे मुकदम, पास फोन, वही तो मैं कह रहा और हूँ। तुमसे पैसी बात हुई तुरंत ही उसका फोन आ गया ट्रैक्टर वाले का कि हमारा प्रधान जा रहा है तुम इसे बात ना करियो। हाँ तो वही तो, हमें भी जैसे इतना मैं मिल गया, चलो अस्पताल भाई देखने इनका गया तो हमने कहा चलो इनका प्रधान अस्पताल जा में रहा प्रधान दिखाई दिए, है। अस्पताल में प्रधान मिला, मैं जब उन्हें देखने गया मैं वहां रेफर ऊपर करवाए, वो काम हाँ वांग टूटी पड़ी दोनों की। हाँ वो तो हमने फूका तो तुम गए थे। हाँ हाँ तो वहीं तो मिला है प्रधान। हाँ मैंने कहा तुम होगी चलो जैसा होगा देखेंगे, फिलहाल तो मुझे ट्रैक्टर हटवा दे जाएगा, कोई दूसरा ट्रैक्टर लगवा दे जा, अब ये घूमते रहे किसका मिलेगा कैसे मिलेगा, अरे किसी भी खड़ा जाता, ये थोड़ी बता दूसरा जो उसके नाम खुल गया वो ना खुलता। बस कुछ ना होता बहुत तरीका, हाँ अपना 2 हफ्ते तक छूट गया होता, रिलीज हो गया होता कोर्ट से। अब चलो अब बोल तो के भाई देखो प्रधान का। सब सब काम करने पड़ते हैं, ठीक है हाँ पूरा सारा सिस्टम बनेगा जैसे चलती है, ठीक हाँ नहीं वो तो है सही है, उसी मेरा में मतलब खोल ये है देंगे, ना, उसी में वो कोर्ट में भी पेश करने पड़ेंगे, सही बताऊं मैं तुम्हें। ना बहुत सही है ऐसा, मेरा मतलब ये है तुम जे हिसाब से बात करिए, जैसे ना ऐसे ना हमने जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके दूसरे दिन 5,000 रुपये दे भी दिए ना यार, खर्चा 5,000 दे दिया था उसी वक्त। अच्छा तो हाँ गलत दिया तुमने, तुम गलत तो चले गया यार, वो हमने हमारे हाथ से नहीं तो अपने गया, आप देते हमारे हाथ से थोड़ी गया। भैया इतने लंबे समय कोई जरूरी थोड़ी ही नहीं के पास विवेचना रेखा लोग दूसरे के पास होगी वो, बात पहुंच गई अरे कोई पता थोड़ी है भाई, अब ये कोरोना अच्छा। में वो अभी अभी उठाएगा इंस्पेक्टर कह देगा इनसे ये वाली विवेचना दूसरे को दे दो, भाई चलो छोड़ो तो हाँ इनका तो लेकिन बेकार गया, फिर भी इन्हें 3 धारा लगा दी उसके ऊपर। इन्होंने नहीं लगाई मेरे भाई, हाँ ये कौन होते हैं धारा लगाने वाले मेरे भाई, फिर अपने आप लगी। अरे इन्हें इन्हें तो धारा लगकर मिली है अच्छा धारा लग के मिली। तुम जो दिया पूछ तो लेते मुझसे भाई साहब, धारा तो लगती है एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे वो लिखी लिखते हैं उसी के अनुरूप लगती है, समझ रहे हो, अब तो ऐसा करो तुम सब बातें छोड़ो। अब इनको तो मिली है बाद में वो दरवाओ कब मिलती है विवेचना,
अब मुकदमा लिखने के बाद कि हाँ फला फला दरोगा जी को ये मुकदमा अरे दे दिया जाए। आप तुम ऐसा करो, इनसे बात करो या अपने इंस्पेक्टर साहब से बात करो, ये जो है अब उसमें कागज वागज तो हैं इसके ट्रैक्टर के। हाँ ट्रैक्टर कागज हैं सब हैं। अच्छा चलो बात हो जाएगी, पर भैया समय लगेगा क्योंकि मैं भी जो कोरोना पीड़ित हूँ मैं भी ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, समझ रहे हो? नहीं तो अच्छा अब तक तो हो जाती है, मैं भी तो पॉजिटिव हो गया ना। मैं अच्छा 6 तारीख से हूँ, 7 दिन होगा मुझे भी। तो फिर तुम भी पाइक हो क्या भाई? मैं भी तो यार कमरे के अंदर ही हूँ मेरे भाई, अरे मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मैं तुमसे बताया नहीं था, फोन करके बताया तुम्हें, तुम कह रहे हाँ हमें हो जान तो कोरोना ये है वो है। और क्या तुमसे करते, मैंने कहा तुमने भी मिलना तो जरूरी था, हो जाओ क्या मिलना जरूरी है। हाँ, तो भाई साहब आप जो है 1 सप्ताह रुके, ठीक है, उसके बाद अगर जो हाँ हमारी निगेटिव आई जाएगी 90% तो हाँ फिर मैं इसको करवाता हूँ, ठीक चलो ठीक है, अब तो प्रक्रिया है। कराओ फिर, मुझे गोल है फिर अभी। ठीक प्रक्रिया प्रक्रिया सब वही वाली होनी है, तो बारह जो उसमें भी लिखा लिखा मेरा जाना है। मतलब जो है, जैसे जो कागज पे जो राजीनामा हुआ है जिनने लिखा है उसके एफिडेविट ले लिए, अब जो मरीज हाँ है मरीज लिखा नहीं, अगर वो लिखा में जाएगा लुटा तो ट्रेटर वाले जाने भाई, जिनने लिखा है उसका पुलिस कह सकती, जिनने लिखा है निभा बदल लिया मुकदमा। अब मुझे तो तुमसे किससे चोट लगी कहाँ क्या लगी वो तो पुलिस के ऊपर है, जाते हैं उल्टा सीधा सीधे उल्टा कर दे, तो जी चलो बात फाइनल उसमें करके हम बताओ। हो जाएगा उसमें, ठीक है। ठीक है तुम बात करके फिर मैं फाइनल करके 2-4 दिन में बताऊंगा। लेकिन अभी भाई साहब 20 लगभग 16 तारीख से बाद ही होगा ये, दोबारा चलो आज 12 तो नहीं, 4 दिन और रहेगा, कोई बात नहीं। 4-5 दिन बाद, चलो क्योंकि चलो हमारा 4-5 दिन सबका कर लेंगे। टेस्ट होगा ना, SSI का हाँ भी टेस्ट होगा, मेरा भी होगा। हाँ